नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने पहले रांची पटना, धरवार केएसआर बेंगलुरु और गोवा मुंबई को वर्चुअली लॉन्च किया। बाद में मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत भोपाल इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री भोपाल से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव और 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने आए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। न्यूयॉर्क में अब से दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। स्टेट असेंबली में इसके लिए बिल पारित हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा की है। इसे न्यूयॉर्क में रह रहे 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर तरह से त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। I learned so much about the Diwali holiday, what it means, the festival of lights, as we deal with so much darkness that is around us. We fail to realize the overwhelming amount of light that is around us. And when we take this period to acknowledge Diwali, we're acknowledging the light that is within us, the light that clearly can push away darkness. And that is why this is so significant. We found a way to do it. We put our heads together. The goal is not saying get stuff done when it's easy to do, but get stuff done to think about moonshots, thinking about beyond what's in front of us. And that's what we did. Chancellor Banks and his team sat down, looked at the requirement of school days. Instead of looking from a place of deficit, we look from a place of surplus. And because of that, we were able to identify a way of using legislation, partnering with the assemblywomen to identify the days that we can use, a day that we can use to have this important holiday, a Diwali holiday, without our young people missing days of school in the process. केंद्र संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारत में बनी पहली चिप अगले साल तक रोल आउट कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि माइक्रॉन भारत में अपना प्लांट गुजरात में लगाएगा। इसके लिए लैंड एलोकेशन, फैक्ट्री डिजाइन और दूसरे एग्रीमेंट पूरे हो चुके हैं। इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा, जिसमें 2024 के अंत तक ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आगे सुनेंगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। 40 वर्षों तक अटेम्प्ट करने के बाद में पहली बार एक बड़ा मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा है। It's a very, very significant thing. Micron Technology is among the leading companies in the world. Duniya ke top 5 semiconductor companies mein se Micron ki ginti hoti hai. As per Gartner research, Micron is the 5th largest company in the world in semiconductor manufacturing. To semiconductor manufacturing mein jo complex ecosystem hota hai, 250 ke aaspaas total different chemicals aur gases hote hain. 250 के आसपास जब पहला यूनिट लगेगा, पहले यूनिट के लगने से वो सारा का सारा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बनता है। किस तरह से केमिकल्स का स्टोरेज होगा, कैसे उनका यूज होगा, किस तरह से उनकी अल्ट्रा प्योर ट्रीटमेंट करना होता है,
किस तरह से उनको उपयोग में लाया जाएगा, किस तरह से गैसेस को स्टोर किया जाता है, वो सारा का सारा किस तरह से जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स मेंटेन करनी पड़ती है, वो सारा का सारा इकोसिस्टम देश में आएगा। भारत खेल के क्षेत्र में रोज नए आयाम छू रहा है। इसी कड़ी में पंजाब में हॉकी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की पहल की गई है। जालंधर में बने बीएसएफ मुख्यालय में बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। खेल मंत्री ने हॉकी प्रेमियों के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने खेल के प्रति अपने जुनून को दिखाते हुए हॉकी के मैदान पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेलों को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 6 करोड़ रुपए की लागत से बीएसएफ ने खेल मंत्रालय के दिए गए फंड से इस अद्भुत हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण किया है। इस मैदान को समय से पहले पूरा करने के लिए उन्होंने डीजी नितिन अग्रवाल और उनकी टीम का आभार भी जताया। आइए सुनते हैं खेल मंत्री ने और क्या कुछ कहा। खेल मंत्रालय के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण करके आज उसका उद्घाटन किया गया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, ये बीएसएफ के खिलाड़ियों के लिए और अन्य खिलाड़ियों के लिए जालंधर में बनी, जालंधर जो खेल सामग्री के निर्माण के लिए जाना जाता है खिलाड़ियों के लिए, और हॉकी के खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है सीमा सुरक्षा बल जहाँ पर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखती है, वहीं पर बहुत सारे खिलाड़ियों को भी देश के लिए खेलने के लिए प्रेरित भी करती, सुविधाएं भी देती है। और इस हॉकी की एस्ट्रोटर्फ के कारण हम भविष्य के उभरते हुए खिलाड़ी इस मैदान से और बीएसएफ से देख पाए। राजस्थान के उदयपुर के बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा उपहार दिया। यहाँ पर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में टॉय ट्रेन का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने किया। आइए जानते हैं इस लोकार्पण पर असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और स्थानीय लोगों का क्या कहना है। बहुत समय से नगर निगम के पीछे लगा हुआ था कि किसी समय इस टॉय ट्रेन ने, सुखाड़ा जी ने जिसको शुरू किया, वो बीच में बंद हुई, उसके कारण से लोगों में निराशा थी। हम लगातार पीछे पड़े रहे, अड़चने तो कई आई, समय भी बहुत लगा, कोर्ट से भी केसेज लड़े और भी कई प्रकार के झंझट इसमें आए, लेकिन आज का ये दिन बहुत ही शुभ है। ये 25 जून का आज का वो आपातकाल का आज की शुरुआत है और उस दिन पर इस ट्रेन का चलना और जनता का सहयोग मिलना, मतलब हमारी जनता लोकतंत्र के लिए जिंदी है, लोकतंत्र के लिए लड़ती रहेगी और लोकतंत्र के मूल्यों को कायम रखेगी। पहली सीएनजी ट्रेन है अपने उद्योग। निश्चित रूप से इन्होंने सीएनजी का इंजन लगा करके भी बहुत बड़ी सौगात दी ताकि प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और गुलाबा की जो हरियाली और सुंदरता और यहाँ का जो ऑक्सीजन हब है उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 22 जून से वार्षिक अंबुबाची मेला शुरू हो गया है। हर साल 4 दिनों के लिए लगने वाले इस मेले में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हजारों भक्त गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। इसे 26 जून को फिर से खोला गया है। उत्सव में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के भक्तों ने मेलों की यात्रा की। ढोल की थाप और मंत्र उच्चार की गूंज से वातावरण उत्साह और भक्ति से भर गया। असम सरकार ने इस पवित्र मेले के शुरू होने के साथ ही तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की योजना बनाई है। पांडु बंदरगाह शिविर को सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय स्थल में बदल दिया है। शिविर में 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ भोजन, उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं और स्नान की व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगे परिधानों में भक्त अपनी इच्छाएं, प्रार्थना और माता के प्रति आदर भाव लेकर नीलाचल पहाड़ी पर चढ़ते हैं जहां मंदिर स्थित है। अंबुबाची मेला शुरू होने के साथ गुवाहाटी में रंग, शोर और अत्याधुनिक उत्साह बढ़ गया है। 4 दिन तक ये शहर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा जो उन्हें उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के करीब लाएगा। बता दें कि कामाख्या देवी मंदिर को लेकर मान्यता है कि वहां माता हर साल रजस्वला होती हैं। रजस्वला होने पर ही अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि माँ के रजस्वला होने पर 3 दिनों तक गुवाहाटी में कोई मंगल कार्य नहीं होता। इस बीच ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रहता है।
चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन के लिए दोबारा खोल दिया जाता है। तो न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।